जयपुर में महेश नगर थाना इलाके में हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए चाकसू निवासी दो हत्यारों को गिरफ्तार किया है। खास बात तो ये भी है कि आरोपियों ने युवक की हत्या महज 125 रुपए के लिए की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को एक भांग का पौधा मिला था जिसको उन्होंने 250 रुपए में बेच दिया। 250 रुपए को बंटवारा करने के लिए दो पक्षों में झगड़ा हो गया और दो आरोपियों ने अपने साथी बलराम की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी फरार। आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सवा सौ रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई, सुनने में बड़े अजीब लगे, मगर आपको तस्वीरों में जो शख्स नजर आ रहे हैं ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने महज 125 रुपए के लिए महेश नगर थाने इलाके के अंदर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों जो बदमाश थे वो यहाँ से फरार हो गए, मगर साउथ जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और महज 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। हत्या से जुड़ा पूरा मामला था और जिसके अंदर करीब 125 से ज्यादा जो पुलिस फोर्स थी वो लगाई गई थी। किस तरह पूरा घटनाक्रम रहा और पुलिस ने किस तरीके से पूरे मामले को एक्सपोज किया है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एसीपी है रामगोपाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा ही पेचीदा मामला था, एक्सीडेंट का रूप दिया गया, पहले तो समझा गया कि एक्सीडेंट हुआ है मगर बाद में पता चला कि इसकी हत्या हुई है एक युवक की, किस तरह पूरे मामले को खुलासा? असल में यहाँ रख दीजिए, असल में ये खानाबदोश लोग हैं जो 22 गोदाम पुलिया, त्रिवेणी पुलिया, गोपालपुरा पुलिया, इनके नीचे रहते हैं और खानाबदोश के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें जो मृतक था उसका नाम बलराम उर्फ बल्लू था, जो पिछले 15 साल से 12 जिले का रहने वाला मूल रूप से, और 15 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में वो यहीं पर रह रहा था और सभी तरह के काम करता था। तो उसका एक दोस्त है लाला उर्फ जीतू, उसके साथ मिल करके, और इन्होंने यहाँ 200 फुट बाईपास के आसपास कोई गांजे का या पौधा इन्होंने उखाड़ा और उसको बेच दिया 250 रुपए में। 250 रुपए में बेच दिया और उसमें से 50 रुपए उसने लाला को दे दिया, 200 रुपए उसने खुद ले लिए। इसी बात पर उनका विवाद हो गया, छोटी सी बात के विवाद को लेकर के, और इनमें आपस में मारपीट हुई जिसमें कमल उर्फ कमलेश और लाला उर्फ जीतू इन्होंने मिलकर के, और प्रेम को अपने पास जो गमछा होता है उस गमछे में एक पत्थर रख करके और उसके मृतक बल्लू के सिर पर मारा, जिससे वो वहीं मौके पर गिर गया और मौके पर मर गया। ये घटना शाम तकरीबन 7:30 बजे की है। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर भीड़भाड़ कम रहती है और उसके कारण ये गिरा हुआ आदमी मिला, तो जो बाद में लोग आए उन्होंने देखा कि सड़क पर किसी वाहन की टक्कर लगने से गिरा है। जो आरोपीगण है वो इसके साथ मारपीट करके और वहां से मौके से भाग गए, और बाकी लोगों ने इसे पड़ा हुआ देखा और खून सिर में लगा हुआ था, उस लगा यूं कि किसी वाहन की टक्कर लगने से मरा है। लेकिन वहीं पे जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तब ये मामला सामने आया कि किस तरह से पीछे से आकर के और लोगों ने इन लोगों ने मारपीट करी। फिर चूंकि ये खानाबदोश लोग हैं और बताने में तो ये एक मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन इसको सुलझाने में हमें काफ़ी समय लगा, और पैदल 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 तीनों जो पुड़िया है, 22 गोदाम पुड़िया सिविल लाइन्स की, और यहाँ त्रिवेणी पुड़िया और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पीछे की साइड में, और गोपालपुरा पुड़िया के नीचे जहाँ ये खानाबदोश लोग बैठ रहते हैं, इनसे अलग अलग जगहों पर जा करके और सिविल कपड़ों में हमारी टीम ने जा करके पूछताछ करी, तब हमें पता चला कि मृतक का नाम बल्लू उर्फ बलराम था। और फिर उसके परिजनों को बताया तो परिजनों से वो संपर्क करता ही नहीं था, खुद के पास उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, फिर वो कहाँ काम करता था, क्या काम करता था, सबसे पहले तो हमने उसको इस्टेब्लिश किया, फिर उसके मिलने जुलने वाले और जितने लोग थे उनको हमने इस्टेब्लिश किया। सर, इनके खिलाफ और भी कुछ मुकदमे हैं क्या? इन्होंने और भी कुछ हत्याएं की हैं या कुछ और भी लूटपाट? हाँ, ये जो कमल उर्फ कमलेश उर्फ तोतला जो है, ये मोटरसाइकिल लिफ्टर भी है और जेब तराशी का काम भी करता है। ये लाला उर्फ जीतू है, ये भी जेब तराश है। ये जो प्रेम है जो मृतक बल्लू के साथ में था, ये भी जेब तराशी करता है। तो ये पहले से छिटपुट के उठाईगिरी के रोड के इस तरह के क्राइम करते रहते हैं। कामयाबी के पीछे माना जा रहा है ट्रेडिशनल पुलिसिंग सबसे ज़्यादा काम आई। बिल्कुल,
यहाँ ट्रेडिशनल पुलिसिंग के अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं, यहाँ ट्रेडिशनल पुलिसिंग के अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं। किस तरह सर उसको ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तहत कैसे क्या क्या? बस घूम घूम करके पैदल और लोगों से बात कर करके और सिविल कपड़ों में सिविल गाड़ी में घूम करके इन लोगों से संपर्क करके और इनके बीच में बैठ बैठ करके धूप में घूम करके बात निकाल करके इनसे बात निकल के आ गई सामने। तो बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर साउथ जिला पुलिस को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज थे और उसके अलावा कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जब इन बदमाशों को पकड़ा जा सके। उसके बाद कहीं ना कहीं जो अहम जो सुराग मिला और वो सीसीटीवी से मिला और उसके बाद पुलिस लगातार ट्रेडिशनल पुलिसिंग करते हुए लगातार पुलिस इन बदमाशों की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके जाती रही। करीब 24 घंटे का समय लग गया, 24 घंटे के समय के दौरान आखिरकार कामयाबी इनको हाथ लगी और उन्होंने दोनों बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। मगर जब पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और उसमें सामने आया कि महज 125 रुपए के लिए इन दोनों बदमाशों ने मिलकर के उस युवक की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस है जो दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो प्रारंभिक जो बात सामने निकल कर आई है उसमें यह है कि जो कमल उर्फ तोतला है उसके खिलाफ वाहन चोरी और इसके अलावा जेब तराशी के कुछ मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा कि किस तरह इन्होंने और भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।